गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जनरल साइंस के बायोलॉजी सेक्शन की इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत ज़्यादा है, चाहे एमपी पीईबी का एग्ज़ाम हो और चाहे एसएससी जेई का हो। एसएससी जेई में अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए आपको बहुत ही डीप लेवल पे चीज़ें कंप्लीट करनी होंगी। उसके बाद भी आप अचरज रह सकते हैं वहाँ के क्वेश्चन से, वो अपना उनका एक सेट पैटर्न है। और किसी भी एग्ज़ाम में एक सेक्शन ऐसा रहता है जहाँ पे परफॉर्मेंस करना थोड़ा टिपिकल होता है। खैर, हमने अपने लेवल पे एसएससी में पूछे गए बहुत सारे क्वेश्चन शामिल किए हैं जो रिपीटेबल भी हैं अदर एग्जाम्स में। आइए इन क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द बुक विच कंटेन्स इन्फॉर्मेशन ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एज। अगर बात की जाए बुक्स की, तो ग्रीन डाटा बुक और रेड डाटा बुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट के केसेस में। अगर क्वेश्चन में सिर्फ इन्फॉर्मेशन ऑफ प्लांट्स लिखा है तो आप रेड बुक करेक्ट ऑप्शन लगाएंगे। वैसे अगर देखा जाए रेड डाटा बुक जो होती है, ये बुक कंटेन करती है इन्फॉर्मेशन ऑफ इंडेंजर्ड एंड इंस्टिंक्ट प्लांट और एनिमल्स दोनों को। और अगर ग्रीन बुक की बात की जाए, ग्रीन डाटा बुक, तो ये रेयर प्लांट्स को लिस्ट रखती है, रेयर प्लांट्स की जो स्पेशली ग्रो होते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज में, जिसको बोटानिकल गार्डन भी कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अगर आपको विजिबल नहीं हो रहा है तो आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा तो आपको विजिबल हो जाएगा, क्योंकि जितना पढ़ा जाए उतना सही से पढ़ा जाए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइट फॉर इन सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा। इन सीटू को लेकर कभी कन्फ्यूजन मत हुआ करिए। इन सीटू का मतलब होता है ऑन साइट जो होता है, तो ऑन साइट कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा बोटानिकल गार्डन में नहीं होता है, बाकी बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में होता है। बोटानिकल गार्डन क्या होता है? बोटानिकल गार्डन को बोटानिक गार्डन भी बोलते हैं। ये गार्डन है डेडिकेटेड टू द कलेक्शन, कल्टिवेशन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्प्ले ऑफ एन स्पेशली वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स विच आर टिपिकली लेबल्ड विद देयर बोटानिकल नेम्स। दूसरा कहने का मतलब है, एक पर्टिकुलर एरिया में, प्रोटेक्टेड एरिया में हम प्रिजर्व करते हैं प्लांट्स को, कल्टीवेट करते हैं, उनके लिए एक स्पेसिफिकल एक तरीके का अटेंशन रहता है जो बोटानिकल गार्डन होता है। यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा नहीं रहता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट है। इसके बाद है, क्रेस्कोग्राफ वाज इन्वेंटेड बाई, क्रेस्कोग्राफ किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? ऑप्शंस हैं आपके सामने, एस एन बोस, पी सी महालनोबिस, जे सी बोस, पी सी राय। तो क्रेस्कोग्राफ है क्या, पहले ये पता होना चाहिए। तो क्रेस्कोग्राफ बेसिकली एक तरीके की डिवाइस है जो मेजर करती है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स को, जो मेजर करती है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स को। और ये ग्रोथ ऑफ प्लांट्स को मेजर करने वाली डिवाइस को इंट्रोड्यूस किया था, इन्वेंट किया था जगदीश चंद बसु ने, जो कि एक इंडियन साइंटिस्ट थे। तो करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट एंटीबायोटिक, हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट एंटीबायोटिक। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक है कौन, अगर यही पूछ दिया जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक, तो फर्स्ट एंटीबायोटिक को ही पेंसिलिन बोलते हैं। ये पूछा जा सकता है, पेंसिलिन इज मेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, तो पेंसिलियम नोटाटम, याद रखिएगा पेंसिलियम नोटाटम, इससे इसको मेड किया गया था, इन्वेंट किया गया था। और पेंसिलिन जो है ये फर्स्ट बायोटिक है, कब इन्वेंट किया गया था या कब डिस्कवर किया गया था, तो 1928 किसने डिस्कवर किया था? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द हार्मोन इंसुलिन इज इन्वेंटेड बाई, हार्मोन इंसुलिन इज इन्वेंटेड बाई। अब इसमें भी वही चीज़ आएगी कि हार्मोन इंसुलिन कब इन्वेंट किया गया, 1921 में। किसने इन्वेंट किया? एक कैनेडियन सर्जन थे जिनका नाम फ्रेडरिक बेंटिंग था, और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के दो स्टूडेंट थे, चार्ल्स बेस्ट और एक कोई मैक्लॉयड करके थे। ये तीन लोगों ने मिलकर किया था, दो लोग चर्चा में रहे, फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट। तो कहीं कहीं ऑप्शन में बेंटिंग और बेस्ट दोनों आ जाते हैं, कहीं कहीं बेंटिंग सिर पाते हैं, क्योंकि प्रमुख रूप से इनका योगदान रहा था। और इन्होंने हार्मोन इंसुलिन को फर्स्ट टाइम इन्वेंट किया 1921 में। और इंसुलिन आप जानते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू रही हिस्ट्री ऑफ डायबिटिक ट्रीटमेंट में। इसके बाद डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए, ये क्वेश्चन 30 से 35 बार पूछा गया होगा डिफरेंट एग्जाम में, बहुत फेमस क्वेश्चन है डबल हेलिक्स मॉडल। 1953 में फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वाटसन ने डिस्क्राइब किया था मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जिसको हेलिक्स मॉडल ऑफ, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए भी कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा वाटसन एंड क्रिक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए जेरोफिटिक प्लांट। अब पहले जब तक जेरोफिटिक प्लांट नहीं पता है, अब कह दो ये कैसे पता चले, कुछ भी पूछ देते हैं, कुछ नहीं पूछते हैं। एनसीईआरटी की क्लास 11th और क्लास 12th की बुक्स
मैंने इनिशियली बताई थी कि जिसने ये कंप्लीट कर ली बायो का क्वेश्चन उसका कहीं गलत होने वाला नहीं है। इसके कंप्लीट करने के कई तरीके के फ़ायदे हैं। अगर आप कभी भी प्रिपरेशन करेंगे यूपीएससी की और उसमें एनवायरमेंट इकोलॉजी संबंधी क्वेश्चंस को अगर प्री लेवल पे भी हल करना चाहेंगे तो आपको बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। अगर कभी यूपीपीसीएस प्री को देना चाहेंगे तो उसके लिए भी ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी। तो इसके वर्साटाइल फ़ायदे हैं। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो कम से कम ऐसे ही सोर्सेज को चुनिए। अगर लूसेंट की किताब पढ़ रहे हैं तो अगर बायोलॉजी वाले सेक्शन में जाएंगे तो 22 चैप्टर हैं, 23 चैप्टर हैं, तो उस 23 चैप्टर में हर किसी में 200-200, 300-300 क्वेश्चन हैं, 250 क्वेश्चन हैं, तो वो सारे आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो बाकी सारी इंजीनियरिंग आप नहीं कवर कर पाएंगे क्योंकि आपको केवल बायोलॉजी में एक्सपर्ट नहीं होना। तो कम से कम एटलीस्ट एसएससी के जो क्वेश्चन हैं, वेदर दे हैव बीन आस्क्ड इन सीजीएल, एसएचएल, सीएचएसएल, 10+2 इन एनी एग्जाम, यू हैव टू कंप्लीट एटलीस्ट दैट क्वेश्चंस। अगर आप पूछ रहे हैं कि सोर्सेज क्या होने चाहिए, तो इसके अलावा और कोई सोर्सेज हमें तो नहीं लगता कि कुछ हो सकता है। दीज आर द टू स्टैंडर्ड सोर्सेज फ्रॉम स्टैंडर्ड कोचिंग्स में जो लोग कंटेंट वर्कर हो, मतलब कंटेंट के वर्क करते हैं, उनको भी यही टारगेट्स दिए जाते हैं। फिर उसमें आके कोई सर्कल घुमा रहा है, दिस क्वेश्चन इज करेक्ट आंसर इज दिस, उसको तुम देख रहे हो। तो एक तरीके से मैं तो यही कहूँगा, अगर दार्शनिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, दूरदर्शिता के हिसाब से देखा जाए, तो अपने मस्तिष्क को कमज़ोर कर लेते हैं। कम से कम जिस चीज़ की आप कोचिंग लें, जिसके लिए आप पैसा दें, वो रिसर्चिंग पॉइंट ऑफ व्यू से गाइडेंस दे रहा हो, ये बहुत ज़रूरी है। खैर छोड़ो, इस सब बातों का कोई मतलब नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जेरोपेटिक प्लांट? तो जेरोपेटिक प्लांट के बारे में हमें पता हो। जेरोपेटिक प्लांट्स बेसिकली वो होते हैं जिनका स्ट्रक्चरल फीचर, जिसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, या फंडामेंटल केमिकल प्रोसेस या फिजियोलॉजी जो होती है, इनका मेन पर्पज होता है कंजर्व वाटर। जैसे आपने देखा होगा कैक्टस, कैक्टस गर्मी में भी बना रहता है हरा भरा, उसको कोई दिक्कत नहीं होता, वाटर को एब्जॉर्ब किए रहता है, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर रखता है इवन ड्यूरिंग ड्राई पीरियड्स में। एग्जांपल्स यही है, कैक्टस है, पाइन एप्पल है, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स जो होते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं जेरोफेटिक प्लांट में। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो करील होगा, करील इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन जियोनिन एंड सिस्टोइन इन डीएनए। अब ऐसे तो आप नहीं बता सकते जब तक आपने जियोनिन और सिस्टोइन साइटो जियोनिन और साइटोसिन को आपस में कंबाइंड फॉर्म में न देखा हो। जब आप कंबाइंड फॉर्म में देखेंगे तो एक स्ट्रक्चर आता है, अगर आप देखेंगे कहीं से भी देख लीजिए, गूगल से देख लीजिए, कहीं से देख लीजिए, तो स्ट्रक्चर आता है कि एक एन बॉन्ड इधर होता है, बीच में भी इधर एन बॉन्ड होता है, और इससे ओ होता है, इससे एन जुड़ा होता है। तो यहाँ से ओ से एच एक बॉन्ड जुड़ता है, फिर इधर साइटोसिन से एच जुड़ता है, इधर से एक एच जुड़ता है और इस एन से एक एच जुड़ता है, ओ एन और एन से तीन हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन 3 हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाय विच कम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम ए चाइल्ड विल बी मेल। रिप्रोडक्शन ऑफ से क्वेश्चन कम आ रहे हैं आजकल, फिर भी हमने इसको यहाँ पे शामिल किया है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा वाई फ्रॉम मेल रहता है और यक्स फ्रॉम फीमेल रहता है, तब चाइल्ड का जो है प्रोडक्शन होता है। तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा, सॉरी कह रहे चाइल्ड का चाइल्ड मेल होगा, इसके लिए वाई फ्रॉम मेल और यक्स फ्रॉम फीमेल होना पड़ेगा। विटामिन ए इज मेनली स्टोर्ड इन, एक समवन स्टूडेंट्स आस्क्ड मी ड्यूरिंग यूपीपीएससी यही कि विटामिन ए में कलर ब्लाइंडनेस बस इतना ही होता है, इसमें और ज़्यादा क्या जानना है, या इसका साइंटिफिक नेम जान लेते हैं, इसके अलावा कुछ पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हमने दो क्वेश्चन शामिल किए हैं जिनमें जनरली आप गलती कर जाएंगे। पहला क्वेश्चन तो यही है, विटामिन ए इज मेनली स्टोर्ड इन, कहाँ स्टोर्ड होता है, लंग्स, किडनी, ब्रेस्ट, लीवर में। तो विटामिन ए लीवर में होता है, और इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि लीवर में होता है तो किस फॉर्मेट में होता है, किस फॉर्म में होता है। उसमें ऑप्शन दे सकते हैं इन फॉर्म ऑफ एल्डिहाइड, इन फॉर्म ऑफ एसिड, इन फॉर्म ऑफ ईस्टर। तो ये रेटिनल ईस्टर्स के फॉर्म में होता है। रेटिनल आप याद रखें ना रखें, रेटिनल ईस्टर्स, ईस्टर याद रखें कि ईस्टर के फॉर्म में स्टोर होता है विटामिन ए, कहाँ पे, लीवर में। तो करेक्ट ऑप्शन डी है। एंजाइम्स आर मेनली, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं अगर आपको नहीं पता है एंजाइम्स क्या होते हैं मेनली, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, एमिनो एसिड। एंजाइम्स कंपोज्ड होते हैं प्राइमरली प्रोटीन्स के, और ये पॉलीमर होते हैं अमीनो एसिड के। तो आप प्रोटीन की जगह ये भी लिख सकता था ऑप्शन में, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, दैट इज मीनिंग ऑफ द सेम थिंग, तो पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड भी बोल सकते हैं इसको। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग काजेज जीरोप्थैलेमिया। अब ये भी क्वेश्चन विटामिन ए का ही है, विटामिन ए की कमी से होता है। अब आप कह दो कि यहाँ पे वो चीज़ तो लिखी नहीं, क्या ये भी कोई नई बीमारी है? ये आँख से ही संबंधित है, उसी तरीके की चीज़ है। कलर ब्राइंडनेस को साइंटिफिक पर्पज़ में समझा दिया कि कलर ब्राइंडनेस क्यों होती है, तो उसका एक तरीके का आप ये साइंटिफिक मीनिंग समझ लीजिए मोटा माटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन विटामिन ए होगा, ये भी 3-4 बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो विटामिन ए से रिलेट करके सिर्फ उतना ही नहीं होता है जितना आप समझते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हेन एन आंट बिट्स दे इंजेक्ट,
जब चींटी काटती है तो वो क्या इंजेक्ट करती है, तो फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती है। सिंपल है, मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी, मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी क्या है? ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज। मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी फ्रक्टोज है। और अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पे पूरा नहीं आ रहा होगा, ब्लड क्या है? ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है। दो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ब्लड क्या है, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, और स्किन क्या है, स्किन आपका इपिथेलियल टिश्यू है। तो ये दोनों याद रखिए, ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू है और स्किन इपिथेलियल। ये 20-20-20 25-25 बार पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में, बार बार आता है क्वेश्चन, तो इनको आपको वहाँ गलत नहीं करना है। आपके सामने मैंने ये क्वेश्चन रखे, हमारे पास समय का अभाव है, कुछ संकल्प हम लेकर चले थे उसके पीछे बस यही सोच है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाएँ अपने अपने अस्तित्व से जो हम भी याद रख सकें, बाकी चीज़ें चलती रहती हैं। नॉलेज के बेसिस पे बस इतना कहना चाहूँगा कि आप जो कुछ भी पढ़ें उसमें मस्तिष्क पर जोर कम से कम कुछ समय के लिए ज़रूर दें। 24 घंटे आपके पास मिलते हैं सोने के लिए, खाने के लिए, बात करने के लिए, सब कुछ करने के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें आप इस भाव से तो पढ़ें कि हम व्यक्तिगत तौर पे अपने मस्तिष्क के अस्तित्व को क्या मानते हैं। आप उनके बारे में सोचा करें जिन्होंने बेसिक लेवल से काम किया है। कभी सोचिए HC वर्मा साहब जिन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स लिखी, अगर वो यही सोचते कि हमें सिर्फ पढ़ते रहना है, कुछ नया नहीं क्रिएट करना, हम ये नहीं कहते कि आप पुस्तक लिखें, लेकिन लिखी हुई पुस्तक के गूढ़ ज्ञान को हासिल करने में अगर आपके अंदर दर्द हो तो उस पेन को सहें, ये बहुत ज़रूरी है। कुछ नई चीज़ सीखने में आपको दिक्कत हो तो उसे करें, कहीं पे भी कुछ भी बटोर लेने के चक्कर में और सिर्फ एक एग्ज़ाम में अपीयर हो जाने के चक्कर में फ्रस्ट्रेट हो जाने तक की लिमिट तक जाने की कष्ट ना करें, क्योंकि फ्रस्ट्रेट होने का कोई मतलब नहीं है। वर्ल्ड विल नेवर बी फेयर टू यू अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट फेयर टू योर सेल्फ, एंड बींग फेयर टू योर सेल्फ इज टू ओनली द वे टू डू हार्ड वर्क विद फर्म डिटर्मिनेशन एंड फर्म बिलीफ इन योर सेल्फ। ये रिमेंबर रखिए। खैर, बातों का कोई अंत नहीं है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए के साथ। धन्यवाद।